हिसार रोड पर बस स्टैंड के निकट सिविल लाइन थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। अतिरिक्त थाना प्रभारी बर्निल के नेतृत्व में टीम ने बस स्टैंड के निकट नाकेबंदी की। इस दौरान बाजारों में बिना मास्क व हेलमेट पहने आने वाले लोगों के चालान काटे गए। साथ ही चार पहिया वाहनों की भी जांच की गई। कार में चार सवारियां बैठे होने पर हिदायत दी कि दो से ज्यादा लोग कार में सवार होकर बाजार में न आए। पुलिस टीम ने करीब दो दर्जन लोगों के चालान काटे और उनसे जुर्माना वसूला। मोटरसाइकिल व स्कूटी पर बिना हेलमेट अपने आ रहे लोगों को भी चालान काटे गए। लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सावधानी बरतने, मास्क लगाने और हाथ सैनिटाइज करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहें। सर, जो आज जो बिना काम के या बिना मास्क के आते हैं उनको रोक के ये तो समझा रहे हैं उनको। सुबह जो नहीं मानता, थोड़ा ज़्यादा बकवास करता तो उसको ये चलान भी काटते हैं उनका। जो मेडिकल यार उनको सीधे जाने देते हैं, कर्मचारी उनको जाने देते हैं। जो बिना काम से कोई वैसे साधन के टूटा फूटा साधन लेके आते हैं उनका चलान काट रहे हैं। और कोई मास्क का चलान है, लॉकडाउन है, इसलिए ज़्यादा फालतू भीड़ नहीं होने देते किसी की। गाड़ी में अगर चार बंदे हैं तो उनको रोक के कहते हैं कि चार बंदे नहीं होने चाहिए गाड़ी में, चार या पाँच बंदे रखते हैं। हेलमेट वाले कोई काट रहे हैं सर? तो सर आपने हेलमेट के नीचे अपने नियमों के हेलमेट पहने में तो सेफ्टी खुद की है। हेलमेट पहनने की हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, हेलमेट पहनने से खुद की सेफ्टी है, खुद बचता। अगर कोई मान ले बाई चांस कोई अनहोनी घट जाती है तो हेलमेट बहुत सेफ करता है। सिर पर चोट लगने से आदमी सबसे ज़्यादा सीधे सिर पर चोट लगते आदमी मर जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हेलमेट पहने तो आदमी जान तो बचेगी। महामारी से मर ही रहे हैं वो तो हमारी अलग बात है, उससे भी हम बचाव कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट से तो ये एक्सीडेंट से नहीं मरे। इसे ज़्यादातर किसी को हेलमेट पहनने के लिए, मास्क पहनने के लिए जरूर कर रहे हैं।